नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्मार्ट इंडिया में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पिक्सल एलईडी के ऊपर ही होने वाला है, बट बहुत ही डिफरेंस होने वाला है आज के वीडियो में, क्योंकि हम ये 2811 वाली जो एलईडी है वो देख के पक गए यार कुछ। मतलब बहुत सारे वीडियो आपको इसके रिलेटेड में हमारे चैनल पर भी मिलेंगे और अदर वीडियो में भी बहुत सारे, मतलब यूट्यूब में इसके वीडियो मिल जाएंगे। तो आज हम कुछ करने वाले हैं नया, क्योंकि यहाँ पे हम अभी आपको दिख रहा है कि ये थोड़ा कॉम्पैक्ट एलईडी बनाने वाले हैं और उसका एक रास्ता भी बताने वाले हैं जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और उसके लिए आपको नॉर्मल कोई भी जो पावर सप्लाई आपके घर में 12 वोल्ट का पड़ा होगा वो यूज़ में ले सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखते रहे, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज होने वाला है कुछ डिफरेंस और कुछ नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एलईडी दिख रही है, इफेक्ट भी कर रही है एलईडी, और ये एकदम अलग सी है, मतलब जो पट्टी वाली आती है ना वही है। तो मार्केट में अगर आपको पता होगा, तो दोस्तों मार्केट में अगर आपने देखा होगा तो ये जो एलईडी है इसकी कीमत बहुत ही होती है, बहुत, मतलब इतना अगर रोल आप परचेस करना चाहो तो इसके तकरीबन 2000 रुपये लग जाएंगे। आपको पता ही है 50-50 इसको बोलते हैं, उसके अंदर जो आईसी लगी हुई है वो, ठीक है। और इसकी खास बात ये है कि ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है, तो आपके घर में जो भी पावर सप्लाई है डीटीएच का या फिर कोई एक्स्ट्रा पड़ा है तो वो यूज़ में ले सकते हो। तो उससे क्या होगा कि ये जो बड़ा सा पावर सप्लाई ऐसा हम यूज़ करते हैं इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा क्या कि ये जो हम 2811 यूज़ करते हैं, तो आपको पता है कि 50 बल्ब है, तो ये इस साइड पे पहले वाली साइड पे फुल जल रहा है और लास्ट में होते होते तो बहुत ही डिम हो जाता है और उसकी इफेक्ट भी नहीं पहुंचती है। तो ये जो एलईडी है उससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो है 12 वोल्ट इनपुट लेती है, तो उसमें जितने भी बल्ब होंगे 50-60, मतलब उसमें से डिवाइड करके उसको वोल्ट मिलेंगे कितने, 3.7। तो मतलब 12 तो कम हो नहीं सकते हैं, ठीक है। 5 में से हम अगर ड्रॉप करेंगे तो आगे तक एम्पियर कम हो जाएंगे और एलईडी डीम हो जाएगी। तो इसकी एक खास बात है कि उसका जितना भी बड़ा रोल हो लेकिन ये एक ही तरह से जलेगी, जो पहला बल्ब चालू होता है वही लास्ट वाला चालू होगा, यानी कि जलेगा, कोई डीम फुल नहीं होगा इसमें। तो ये फ़ायदा आपने देख लिया। दूसरा फायदा ये मैंने आगे बताया कि ये जो पावर सप्लाई है बेहद महंगे आते हैं, आपको पता है, घर का एडेप्टर इसमें चल जाएगा, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये जो एलईडी है ये आपको मार्केट में कहाँ मिलेगी पता है, जो डेकोरेशन की दुकान होती है ना उसके अंदर ऐसा रोल होगा। तो इसकी बहुत सारे है, लेकिन आरजीबी वाला है उसको आपको बोलना है, आरजीबी वाला, ठीक है। और उसके अंदर आप चेक कर लो कि ये जो आईसी मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस, यहाँ पे अभी जो आपको आईसी दिख रही है, यहाँ पे ये आईसी लगी होनी चाहिए, बाकी ये काम नहीं करेगा। और हर एक 3 बल्ब के पीछे ये आईसी रहेगी, देखो 1, 2 और 3, 3 बल्ब खत्म होंगे तो सीधी आईसी आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि एक आईसी है 3 बल्ब को ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही ख्याल रखने वाली बात है। और इसकी प्राइस है 400 से 450 के बीच में आपको मिल जाएगा। और ऐसी अगर आपको 50-50 जो एलईडी पिक्सल एलईडी एड्रेसेबल एलईडी आती है उसकी प्राइस आप सर्च करके देख लो, बहुत है, ठीक है। फिर भी मैं देखता हूँ अमेजोन में या फिर कोई अदर कंपनी में उसका लिंक मिलता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, नो डाउट। लेकिन ये आपके आजू बाजू में जो इलेक्ट्रिक की दुकान है वहाँ से आप परचेस करोगे तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा और आसानी से मिल जाएगा। तो आप क्या है कि उसके अंदर कोई भी, मतलब लंबा बनाना हो, ज़्यादा यूज़ करनी हो, अपने तरीके से कर सकते हैं और इसको काट भी सकते हैं। देखो हर 3 बल्ब के पीछे ऐसा दिया हुआ है कट, तो यहाँ से आप सोल्डरिंग करके आगे चला सकते हो, मतलब आप जैसा प्रोजेक्ट बनाना चाहो, जहाँ भी यूज़ करना चाहो कर सकते हो। लेकिन इसको ऑपरेट करने के लिए चाहिए हमको ये कंट्रोलर। तो ये जो कंट्रोलर है वो बहुत फेमस है, SP107E। ये जो कंट्रोलर है इसका गिववे हम करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जितने भी बंदे ज़्यादा शेयर करेंगे उनको ज़्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि
यहाँ पे क्या है कि स्क्रेच स्टूडियो में पता चल जाता है कि किन बंदों ने कितना लाइक किया, कितना शेयर किया, ठीक है। तो ये सब करो, ये कंट्रोलर आपका हो सकता है, मैं इसको इम रखता हूँ, 500 कमेंट और 500 लाइक होने चाहिए। आगे हमने कल जो वीडियो डाला था उसमें भी हम गिववे जो ऑटोमेशन होम ऑटोमेशन का किट है वो करने वाले हैं, तो उसमें भी टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही मेरा इम जो है वो 500 का हम रखते हैं तो ख़त्म हो जाएगा, तो मिल जाएगा। और इसके अंदर भी आपको ये जो कंट्रोलर है वो डायरेक्टली आपको मिल सकता है। तो ख्याल रखिए कि वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अभी हम देख लेते हैं इस कंट्रोलर, इस कंट्रोलर के बारे में बहुत सारे वीडियो गाइस, मुझे कुछ करने कहने की ज़रूरत नहीं है, लिंक पे जाओ देख लो, और यहाँ पे आई बटन पे भी है तो वहाँ भी जाके आप देख सकते हो। तो अभी हम इफेक्ट को चेंज करके देखेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि भाई सच में एलईडी काम करती है, ठीक है। तो जहाँ पे ये जो कंट्रोलर है वो कनेक्ट है मेरे मोबाइल से, यहाँ पे आपको देख रहा है, और इसको मैं थोड़ा साइड पे लेता हूँ, हाँ। और अभी हम चेंज करते हैं इफेक्ट, तो देखा गाइस यहाँ पे इफेक्ट चेंज हो गई है, इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। देखो इफेक्ट चेंज हो गई, देखा ना। अब इसका कंट्रास्ट भी आप कंट्रोल में ले सकते हो, देखा एकदम से डिम हो गया, मतलब ये एलईडी अभी आरजीबी ही एलईडी बन गई है, मतलब पिक्सल एलईडी की तरह ही ये काम करती है। एक्चुअली ये पिक्सल एलईडी है, बट डिफरेंस इतना है कि हर 3 बल्ब को एक आईसी ऑपरेट करती है। हमारी पिक्सल एलईडी में हर एक बल्ब की एक प्राइवेट आईसी लगी हुई होती है, ठीक है, इतना ही डिफरेंस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इससे बहुत इफेक्टिव मिलेगी। तो यहाँ पे हम ब्राइटनेस फिर से 4 कर देते हैं, तो गाइस देख सकते हो आप अलग अलग इफेक्ट मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, तो हो रहा है वहाँ पे। देखो अभी हम कोई एक कलर को भी चूज कर लेते हैं, ये पिंक हो गया, रेड, येलो, सब कर सकते हैं, मतलब इसका पूरा ऑपरेटिंग हमारे पास है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार ये, YouTube में ऐसा वीडियो है ही नहीं, सभी लोग ये 28/11 का ये वीडियो डाले हुए, हमने भी बहुत डाले हैं, बट मुझे कुछ डिफरेंस करना है। आपको पता है कि हम कुछ ना कुछ डिफरेंस लाते रहते हैं, और ये कंट्रोलर मैं आपको गिववे कर दूंगा 100% उसकी गारंटी है, ठीक है। और बहुत सारा प्रोडक्ट मैं गिववे करने वाला हूँ, जो चीज़ मार्केट में आसानी से नहीं मिलती है वो सब मैं दूंगा, ताकि आप लोग भी अपने घर पे बैठ के आराम से वो प्रोजेक्ट बना सको, ठीक है। तो ये मेरा काम था आज का कि भाई ये डिफरेंट करते हैं, ये एलईडी मैंने चला के भी दिखा दी है। अब मैं बता देता हूँ उसका वायरिंग, सिंपली वायरिंग। तो दोस्तों ये रहा सिंपल सा वायरिंग, उसमें यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है, और नेगेटिव पॉजिटिव मतलब ये दो जो वायर है अभी आपको दिख रहा है मैंने हाथ में पकड़े, ये सीधा पावर सप्लाई है, 12 वोल्ट इनपुट होते हैं यहाँ पे, और ये कंट्रोलर में से आ रहा है आपको पता है, और बीच में है वो हमेशा डेटा का रहता है, तो जो कंट्रोलर में बीच का वायर है उसमें इस सॉकेट में से आया वो हमने यहाँ पे लगा दिया है, और ये अर्थिंग के रूप में हमने कंट्रोलर का जो अर्थ वायर है वो भी यहाँ पे लगा दिया, एकदम सिंपल वायरिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें पावर सोर्स अलग से रहेगा, ये जो है वायर ये वो पावर का है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सीधा एडाप्टर गया है प्लग में, और 12 वोल्ट यहाँ पे हमने इनपुट कर दिया है, और इसको इस कंट्रोलर को 5 वोल्ट मिल रहे हैं यहाँ से, देखो ये अलग एडाप्टर है 5 वोल्ट का, तो उससे ये चलता है। तो एकदम सिंपल सा वायरिंग है यार, कोई टेंशन नहीं, बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मैं बैठा हूँ, ठीक। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाओ। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।